और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी बड़े हमले की फिराक में हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सियालकोट के नजदीक शकरगढ़, पुंछ में बीम्बर, मीरपुर और कोटली में 30 से 40 आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। साथ ही सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों ने अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की साजिश रची है और ये आतंकी अगले 15 से 20 दिन में कभी भी कहीं से भी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, लेकिन देखिए इन सब के बीच में अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। ठीक उससे पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। पीओके में आतंकियों को बकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कोमल, हमने हर साल देखा है कि जिस वक्त भी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की जाती है उस वक्त सीमा पार बैठे आतंकियों को ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है ताकि अमरनाथ यात्रा पर इसका असर पड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा, हर बार अमरनाथ यात्रा होती है हर बार ये खलल पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, नए आतंकियों को तैयार किया जाता है। और इसमें सिर्फ एक तंजीम नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर के जो आतंकी हैं उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि आपने देखा कि जिस तरीके से ये जो 2 से 3 हमले अभी रिसेंटली रजौरी पुंछ में हुए हैं, इसमें जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, कहा यह भी गया है कि अफगानिस्तान से खास ट्रेनिंग लेकर ये युवा आतंकी जो है वो LOC पार कर रहे हैं। तो इस वक्त भी जो ये आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले 15 से 20 दिनों में ये जो इन्होंने घुसपैठ की कोशिश करनी है कि अमरनाथ यात्रा में कैसे खलल पैदा की जाए, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आतंकी भी वही है जो खास तरह की ट्रेनिंग जो है वो लेकर यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश करेंगे। अब तस्वीरों में भी देखें किस तरीके से वहां पर जो हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं उसमें भी वहां देखें कि कितने उत्साहित हैं वो, इसलिए कि वो कब अमरनाथ यात्रा शुरू हो और कैसे वो घुसपैठ करें और कैसे वो बड़े हमले को, आतंकी हमले को अंजाम दें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका। तमाम जानकारी के लिए नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए अमरनाथ यात्रा से पहले ये बड़ा अलर्ट जारी किया गया है जहां पर बड़े हमले की साजिश की जा रही है अमरनाथ यात्रा के दौरान। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और आरोप यह है कि ये लोग प्रलोभन देकर लोगों का धर्मांतरण करा रहे थे और एक घर में प्रार्थना सभा के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसका विरोध इलाके के लोगों ने किया और हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया। कुछ लोग एकत्रित होकर के धर्म विशेष के देवी देवताओं को अपशब्द कर रहे हैं एवं दूसरे धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इलाके के लोगों का आरोप है कि अनिल नाम का शख्स ये प्रार्थना सभा चलाता था जिसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया जाता था। शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया।